मंदिर फिर सड़क और अब 156 स्मारकों पर वक्फ का दावा। क्या वक्फ के कब्जे में जाएंगे हुमायूं का मकबरा कुतुब मीनार? मोदी सरकार के कदम से मौलानाओं में मचेगा हड़कंप। जब से वक्फ बोर्ड संशोधन बिल आया है, दिल्ली में वक्फ बोर्ड ने तबाही मचा दी है। रोजाना नई नई हरकतें कर वक्फ बोर्ड मोदी सरकार की राह में रोड़े फंसाने का काम कर रहा है, लेकिन इस बार वक्फ बोर्ड की तरफ से जो कुछ किया गया उससे मोदी सरकार के भी होश उड़ गए हैं, क्योंकि मंदिर और सरकारी संपत्तियों के बाद वक्फ बोर्ड ने दिल्ली में ऐतिहासिक इमारतों पर दावा ठोक दिया है। वक्फ बोर्ड ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 156 स्मारकों पर अपना दावा ठोका है। वक्फ बोर्ड के दावे में हुमायूं का मकबरा परिसर, कुतुब मीनार परिसर शामिल हैं। वक्फ का दावा है कि एएसआई ने दिल्ली में उसकी 156 संपत्तियों पर गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। तो अब समझिए, वक्फ की तरफ से धीरे धीरे पूरी दिल्ली पर अपना दावा ठोका जा रहा है। ये सब तब शुरू हुआ जब संसद में मोदी सरकार वक्फ के खिलाफ बिल लेकर आई और वक्फ में सुधार की बात कही गई। बिल के आते ही संसद से लेकर सड़क तक समाज के ठेकेदारों ने माहौल बनाना शुरू कर दिया, मुसलमानों को भड़काने का ठेका उठा लिया। इसी का नतीजा है कि वक्फ बोर्ड की हिमाकत इतनी बढ़ गई और दिल्ली में एक के बाद एक इमारत, सड़क, कूड़ा घर पर अपना दावा ठोक रहा है। अब वक्फ के दावे की जद में कुतुब मीनार परिसर में मौजूद अशोक स्तंभ भी आ गया है, जो भारत में इस्लाम के आगमन से पहले से मौजूद है। अब कैसे ये वक्फ को मिला, ये बात तमाम सवाल खड़े कर रही है। वक्फ के दावों की कहानी यही खत्म नहीं हुई, आगे जो खुलासा करेंगे आप भी चौंक जाएंगे। कुतुब मीनार परिसर में मौजूद कुफतुल इस्लाम मस्जिद, जिसे 27 हिंदू जैन मंदिरों को तोड़कर बनाया गया था, और अभी इसका मुद्दा अदालत में चल रहा है, लेकिन अब इसके पूरे परिसर को भी वक्फ अपनी संपत्ति बता रहा है। अब सवाल तो यही है कि अगर वक्फ बोर्ड धीरे धीरे कर दिल्ली की सारी संपत्तियों पर दावा ठोक देगा तो क्या सारी संपत्ति अपने कब्जे में ले लेगा? लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि मामला कोर्ट तक पहुंचेगा, सबूत कागजात सब देखे जाएंगे, उसके बाद आखिरी फैसला होगा। लेकिन वक्फ बोर्ड जो कर रहा है उससे मोदी सरकार भी अभी दंग है, क्योंकि दिल्ली के मंदिर हो या शमशान घाट, डीटीसी बस अड्डा हो या फिर प्राचीन इमारतें, सब पर वक्फ बोर्ड अपना धीरे धीरे कर दावा ठोकता जा रहा है। खैर, जिस तेजी से वक्फ बोर्ड एक्शन में लगा है उस तेजी के साथ मोदी सरकार भी वक्फ बोर्ड बिल को पारित करने का काम कर रही है। अमित शाह पहले ही कह चुके हैं कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को जल्द ही संसद में पारित किया जाएगा। पूरा है वक्फ संशोधन विधेयक 2024, वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और संरक्षण और उसके दुरुपयोग तीनों को कमिटेड है और आने वाले दिनों में पार्लियामेंट में इसको पारित किया जाएगा। खैर, अभी वक्फ बोर्ड का मामला जेपीसी के पास है, जहां लोगों की राय शुमारी हो चुकी है। आखिरी फैसला जेपीसी को करना है, उसके बाद मोदी सरकार के पाले में बॉल आएगी। लेकिन एक बात साफ है, खेल शुरू हो चुका है। वक्फ बोर्ड पूरे दिल्ली पर दावा ठोके या फिर मंदिरों को लेकर माहौल बनाए, होने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार का अगला कदम वक्फ बोर्ड में तबाही मचा देगा। क्योंकि वक्फ बोर्ड के दावे में शंकाएं पैदा हो रही हैं, क्योंकि इतिहास के मुताबिक भारत में संपत्ति वक्फ करने की शुरुआत फिरोज शाह तुगलक के समय 14वीं शताब्दी में शुरू हुई थी। लेकिन वक्फ बोर्ड अपने दावों में उससे पहले के समय का जिक्र कर रहा है, जिसका प्रमाण उसने आज तक किसी भी एजेंसी को नहीं दिया। यही वजह है कि वक्फ अपने दावों में खुद ही फंसता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं।